तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से आ चुके एक नया वीडियो के साथ। तो अगर आप पबजी फ़ैन हैं तो ज़रूर से ज़रूर यह वीडियो को देख के जाइएगा। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि पबजी का जो तरीका होता है या पबजी जैसा आप कैसे अपना फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो अरे यार, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आप तो थंबनेल में देख ही चुके होंगे हम लोग कौन फ़ोटो को किस तरीका से एडिट करने वाले हैं। तो अरे यार, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुमको सिखा रहा है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ओपन कर लेनी है। तो आपको पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद तो आपको जो फोटो ऐड करना है, मतलब जो एडिट करना है यार, उसे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पे कुछ PNGs या कुछ लिंक्स दिया हूँ, देख सकते हैं। लिंक्स मतलब PNG से उसे आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा। देख सकते हैं कुछ यह बैकग्राउंड है, यह बैकग्राउंड आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। देख सकते हैं हम ऐड करने के बाद नॉर्मली इसका क्वालिटी बढ़ा देंगे। देख सकते हैं क्वालिटी बढ़ाने के बाद हम ड्रॉ टूल पे इसे जाके ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेयर बाय लेयर चाहिए। और बहुत सारी आपको बहुत सारे PNGs दिखेगी, आपको सब का सब डाउनलोड कर लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा MPT लेयर चाहिए, अब हम उसे भी ऐड कर लेंगे ऊपर साइड से। आप स्क्रीन पर देखते जाइए, मैं सब एक एक करके बताते जाता हूँ। देख सकते हैं उसके बाद लूट ड्रॉप, यार क्या मैं भी बोल रहा हूँ, देख सकते हैं लूट ड्रॉप है, उसे भी आप ऐड कर लीजिए। आप नॉर्मली उसे जाके डाउनलोड करके आप इसे भी ऐड कर लीजिए। आप एक ही बार में जितनी भी PNG से सब का सब डाउनलोड कर लीजिए, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीका से आपको ऐड कर लेनी है, मतलब आप देख लीजिए आपको एडजस्टमेंट कितनी चाहिए आपको किस तरीका से। देख सकते हैं हमें हमारे पास क्या फ़ोटो है जो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो देख सकते हैं, आप मैं बताना चाहता हूँ, देख सकते हैं कुछ यह वाली फ़ोटो है जो मैंने क्लिक किया था इस तरीका था। उसे हमें क्रॉप करके, मतलब जो बैकग्राउंड है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके मतलब सीख सकते हैं कि कैसे इजी तरीका से हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है। देख सकते हैं हमें नॉर्मली तरीका से इसे ऐड कर लेनी है और एक MPT लेयर लगाना है, मतलब हमें जो लूट बॉक्स के ऊपर बैठा हूँ उस हिसाब से। देख सकते हैं यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया करके भी है, मतलब जितने भी PNGs आए यार सब के सब आप ऐड कर लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया करके है, तो जो नया रिलीज हुआ यार, काफ़ी अच्छी गेम है, आप खेल ही चुके होंगे। फैन अगर आप देख रहे हैं तो आप जरूर से ज़रूर खेलते ही होंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीका से हमें इसे सिंपली स्क्रीन या फिर लाइटिंग करके जो ऑप्शन होता है उसे ऐड करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैं तो आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा ऑप्शन में किस तरीका से होता है, तो आप नॉर्मली देख सकते हैं। बट हमें फाइनल ऑप्शन देख सकते हैं, यह अच्छी लग रही है। हम नॉर्मली इसे मतलब दो यहाँ पे दी गई है, लाइट पे है और स्क्रीन पे है, तो हमें जो लाइट वाली ऑप्शन ज़्यादा अच्छी लग रही है या जो भी बोलते हो उसे, यार देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही है। नॉर्मली हम इसे ऐड कर लेंगे। हमें और एक MPT लेयर चाहिए और हमें और एक PNG चाहिए। तो देख सकते हैं कुछ या बगी बोलते हैं, ऐसा दो से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं इसे। देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके से इसे ऐड कर लेनी है साइड में MPT लेयर। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब अगर आपको यहाँ पे छूट जाते हैं तो आप 3 डॉटेड पे जाके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, आपको आगे या पीछे चाहिए। देख सकते हैं अब मुझे आगे अच्छी नहीं लग रहा, तो मैं इसे लूट ड्रॉप का पीछे रखना चाहता हूँ। अगर आपको आगे अच्छी लगी तो आप आगे भी रख सकते हैं, पीछे अच्छी लगी तो पीछे भी रख सकते हैं। तो मुझे पीछे अच्छी लग रही तो मैं पीछे रखूँगा, या आप मैं जैसे कर रहा आप उस तरीके से करते जाइए। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब स्क्रीन पे जो फ़ोटो पे वह बैठ रही है कि हाँ अच्छी लग रही है। तो अब मैं आपको दूसरी वाली PNG ऐड करके बताता हूँ। देख सकते हैं बैकपैक और गन वगैरह है, आप उसे ऐड कर लीजिए। एक दो चीज़ आप छोटी बड़ी है तो आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि आपको छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, आपको जिस हिसाब से चाहिए। देख सकते हैं मैं यहाँ पे Level 3 का टोपा यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इसको हेलमेट बोलते हैं हम लोग, तो प्यार से टोपा बोलते हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, टोपा या हेलमेट बोले उसे हम अपने पैर के नीचे लगाएंगे। क्योंकि हमें बैठे हुए हैं, बैठ के ज़्यादा मतलब जो लेग है वो नीचे तक नहीं पहुँचती, तो बस उसी को एडजस्ट करते हुए हम टोपा को लगाएंगे, तो जो काफ़ी अच्छी भी लगेगी दिखने पे। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एडजस्टमेंट में हम उसे ऊपर नीचे कर लेंगे जो मेरे फ़ोटो है हम उसके पीछे। उसके बाद हम एक लूट ड्रॉप लगा लेते हैं, मतलब जो डेड बॉडी होती है, किल तो नहीं बोल सकते हैं, बहुत दिक्कत वाली हो गई है, किल के चक्कर में पूरे पबजी बैन हो गई थी। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल सी है और काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप फोटो पे करते तो जो आवाज़ ज़्यादा प्यारी हो, ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीका से। अब यहाँ पे जी हम जितनी भी PNGs थे हम सब ऐड कर चुके हैं, कुछ बचा हुआ हमें बाद में ऐड करेंगे। तो हमें नॉर्मली शेडो बनानी पड़ेगी, तो मैं शेडो बना के दिखा देता हूँ कुछ, उसके बाद आप खुद से शेडो कर लीजिएगा, आपको जितनी शेडो चाहिए या जितनी नहीं चाहिए। देख सकते हैं कुछ इस तरीका से आपको फ़ोटो को लेके, अब जो हमें बैठे हुए हैं लूट ड्रॉप को लेके शेडो बनानी पड़ेगी। देख सकते हैं मैं यहाँ पे शेडो कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी यार।
देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और मैं बताया था जैसे एक PNG बची हुई है तो यह भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ सिंपली जाके डाउनलोड करके ऐड कर लीजिए। हमें कौन से लीक में पहुँचना है तो आप नॉर्मली देख सकते हैं, हमें वहाँ पे कर चुके हैं। अब हम नॉर्मली जितनी भी था मतलब एडिटिंग का काम, ऐड करने का काम वहाँ हो चुके हैं। हम इसे लाइट रूम में ओपन करके इसे मतलब कलर के साथ थोड़ा छेड़ था मतलब कलर के साथ थोड़ा खेलने वाला है। देख सकते हैं ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं, आपको मतलब जिस हिसाब से चाहिए, लाइट चाहिए लाइट की, डार्क चाहिए डार्क की, या फिर मैं जिस तरीके से करते जाऊँ आप सेम सेटिंग को लेके आप ऐड कर सकते हैं। आप मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। मैं इसका जो सेटिंग का जो लिंक होता है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी आपकी फ़ोटो के हिसाब से। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ यार, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा कि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। और बहुत कोई होंगे जो वीडियो सिर्फ देख रहे होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो अरे यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मुझे सपोर्ट मिलेगी, मैं इस तरह का वीडियो रेगुलरली डालता रहूँगा। देख सकते हैं हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हो चुकी यार, तो आप अपग्रेड देख सकते हैं कि पहले कैसी थी कैसी नहीं थी। मैं अब आपको दिखाई देता हूँ कि स्टार्टिंग में कैसी थी कैसी नहीं थी। अब 3.8 पे जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं दिखाई देता हूँ, आप देख लीजिए स्क्रीन पे भी आपकी आएगी कैसी थी कैसी नहीं है, अब कैसी है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो फोटो एडिटिंग थी वह कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप मेरे जो इंस्टाग्राम है, अगर इंस्टाग्राम नहीं चेक किए तो वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मैं वहाँ पे अलग अलग फोटो डालते रहता हूँ जिसका मैं ट्यूटोरियल नहीं डालता हूँ। अगर आपको वहाँ पे अच्छी लगेगी आप बताएंगे तो मैं उसका ट्यूटोरियल डाल दूंगा कि आप इसी तरीके से उसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एडिटिंग कंप्लीट होती है। तो यह काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो थी, होप यार आपको यह वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जरूर अपना थॉट जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है और कैसी नहीं लगी है। तो लाइक करते हुए जाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।